मैं इस वक्त पाकिस्तान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन का ऑनररी सेक्रेटरी हूं और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हूं। पुराने दोस्त मिलते हैं, ये ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ मिलती है हमें खेलने के लिए और सारे लड़के इंजॉय करते हैं। इस पर फिर एक टीम बनाई जाती है जो पाकिस्तान वेटरन्स के नाम से होती है। अच्छा। जो मुख्तलिफ दैनिक दुनिया के दौरे करती है। हमारे कैप्टन हारिस खान थे, ये सोहेल मेदी, ये भी हमारी टीम में थे, हमारी टीम का हिस्सा थे। और मुझे याद है कदाफी स्टेडियम में मैंने मैन ऑफ द मैच हुआ था, मैं 82 रन किए थे। मुझे डांट भी पड़ी थी क्योंकि 6-7 रन रह गए थे और मैं आउट हो गया था। मैं बड़ा खुश आ रहा था। लेकिन तो तलाल भी इसी किस्म का जहराना प्लेयर था। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, ये भी ऐसे छक्के वक्के कराता था और ये भी यानी कि अच्छा हार्ड हिटर बैट्समैन था यानी कि। और इसका इसी तरीके से क्लब क्रिकेट में जो कराची की होती है उसमें इसका काफ़ी नाम चलता था। जो वेटरन क्रिकेट के मैचेस इस वक्त जारी हैं और कनाडा की सीनियर टीम जो है इस वक्त पाकिस्तान का दौरा कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एबिलिटी टीवी और इस वक्त हम मौजूद हैं नया नाजमाबाद क्रिकेट ग्राउंड में और यहाँ पे मैच करवाया जा रहा है और मालूम करेंगे आमिर भाई से कि ये किस वजह से मैच यहाँ पे हो रहा है और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज़ करवाते रहते हैं मैच, तो इनसे ही मालूम कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आमिर भाई? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। तो बताइए कि ये किस नाम से मैच हो रहा है और क्या इसका वो है? देखिए, ये इस वक्त जो वेटरन क्रिकेट के मैचेस इस वक्त जारी हैं और कनाडा की सीनियर टीम जो है इस वक्त पाकिस्तान का दौरा कर रही है। ये टीम आज से पहले भी 3 दफ़ा पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है। इन्होंने हमेशा यहाँ पे क्रिकेट खेलना एंजॉय किया है क्योंकि जो टीम आई है उसमें मोस्टली पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ज़्यादा हैं और उसमें भी ज़्यादातर कराची से बिलोंग करने वाले। बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव टीम है। आज भी इन्होंने बहुत अच्छा अपना एक यानी मैचेस को लेकर चल रहे हैं वो। और जो दूसरी टीम इस वक्त उनके मुखालिफ है, ये एक कम्बाइंड 11 है जो CIS की बैटिंग टीम के अंदर हुआ है। तो इसी तरीके से बहुत सारे मैचेस आप लोग पूरे पाकिस्तान में करवाते रहते हैं? बेसिकली मैं इस वक्त पाकिस्तान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन का ऑनररी सेक्रेटरी हूं और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हूं। और अभी रिसेंटली मैं उसका हिस्सा बना हूं, यानी इस पोजीशन के ऊपर। लेकिन ये 1998 से फवाद एजाज खान इसके चेयरमैन हैं जिन्होंने इस बॉडी को फॉर्म किया था और उसके बाद से आप 25 साल तकरीबन हो गए हैं कि जो पूरे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट मुनक़द की जा रही है। पंजाब में बड़ा रोल जो है, कई लोग कई नाम ऐसे हैं कि जो रोल अदा करते रहे हैं, जिसमें आशिक हुसैन कुरैशी मरहूम जो हैं उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। इस वक्त आमिर इलियास भट्ट साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और इनके दम से ही वहाँ क्रिकेट बहुत ज़्यादा चल रही है। सिंध में भी आलमगीर अहमद जो हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और उनकी टीम जो है वो बहुत अच्छा वेटरन को मुनक़द करने के हवाले से किरदार अदा कर रही है। तो आज जो है ये एक ही मैच यहाँ पे नया नाजमाबाद में? जी, एक ही मैच है और इस एक मैच के अंदर जो है वो इनके इस टूर के ऊपर वो 6 मैच खेल रहे हैं जिसमें से ये मैच मतलब 4th मैच है जो आज वो खेल रहे हैं। इसमें ओवर एज यानी 40 प्लस के इसमें क्रिकेटर्स हैं। जी। अच्छा, ये बड़ी खुशायन बात है कि 40 प्लस लोग जो है इसमें यानी जिनकी एज 40 से अबव है वो लोग खेल रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल मेहदी, इनसे भी बात कर लेंगे। ये इन्होंने भी काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है स्विस सदरन गैस की कंपनी की तरफ से, तो बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। तो कैसा देखते हैं कि आप पूरे पाकिस्तान में मैच खेलने जाते हैं, तो कैसा लगता है आपको? और पाकिस्तान की क्रिकेट में जैसे कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं और आपने भी कोशिश की इस पूरी टीम में आप भी आ सकें, तो कैसा देखते हैं क्रिकेट को? बहुत अच्छा, यानी कि अच्छा यानी कि वेटरन्स को पहले से काफ़ी ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, वरना पहले ये वेटरन्स होती थी कराची लेवल भी होती थी खाली। अब जो है थोड़ा सा इसका जो है सर्किल बड़ा है और ये लाहौर और पिंडी और अपना मुख्तलिफ पेशावर में भी यानी कि क्रिकेट खेली जा रही है। तो अब ये है कि इसका काफ़ी हद तक यानी कि बहुत अच्छा यानी कि इसका एक पूरा सर्किल बन गया है और वहाँ पे ये मुख्तलिफ यानी कि किस्म के टूर्नामेंट होते रहते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते थे वो लोग। और फिर इसकी टीम सबसे अच्छी बात यह है कि फिर ये जब ये टूर्नामेंट्स होते हैं अपने अपने शहरों में मुख्तलिफ शहरों में जैसे लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद, पिंडी या पेशावर में, तो वहाँ पर जो लड़के जो परफॉर्मेंस देते हैं टूर्नामेंटों में अपने,
तो वहाँ पे उस परफॉर्मेंस पे फिर एक टीम बनाई जाती है जो पाकिस्तान वेटरन्स के नाम से होती है। अच्छा। जो मुख्तलिफ दैनिक दुनिया के दौरे करती है। अभी लास्ट टाइम जो हमारी टीम अभी अंडर 40 जो है वो ऑस्ट्रेलिया से होकर आई है। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया के, और एक टीम हमारी अभी थोड़े दिनों में जो है एक आध दिन में जो है वो अफ्रीका जा रही है खेलने के लिए। तो अब इस लेवल पे ये यानी कि टूर्नामेंट्स हो गए और इस लेवल पे ये मैचेस हो रहे हैं कि अब एक चार्म हो गया है प्लेयरों को कि थोड़ा सा उनको एक इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलने को प्रोवाइड हो रही है इधर। माशाल्लाह। तो अच्छा, ये बड़ी खुशाइन बात है कि ओवर एज लोग होते हैं वो लोग भी क्रिकेट से इस्तेफादा अभी तक हासिल कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फिटनेस होती है क्रिकेट कि इसमें कभी भी बंदा अपने आप को जो है अनफिट नहीं समझता। हाँ, बेसिक वजह यह है कि जो 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 40 से अबव जो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, जो खेलते आ रहे हैं, वो खेलते आ रहे हैं तो वो थोड़ा फिट हैं। अगर वो नहीं खेलते तो शायद मैं समझता हूँ कि इतना फिट नहीं होते, जैसे कि आम घर में रहने वाला बंदा इतना फिट नहीं होगा। वही वजह है कि वो इसलिए 40-45 वाले जो हैं वो इस क्रिकेट को खेल रहे हैं कि वो ग्राउंड में आते हैं, अपना एक्सरसाइज करते हैं या मैचेस खेलते हैं, तो उससे वो फिट रहते हैं। तो वो औरों लोगों से जो इस एज के लोग हैं उनसे ठीक ठाक फिट होते हैं। और वर्ल्ड के अंदर ऐसे भी कहना चंद प्लेयर पाए गए जो 50-50 साल की उम्र में टेस्ट खेले हुए। माशाल्लाह। जी, जेफरी बॉयकॉट थे, वो तकरीबन मैं समझता हूँ 50-52 ईयर्स तक वो टेस्ट क्रिकेट खेले इंग्लैंड के लिए। हाँ, ऐसे कई प्लेयर हैं हमारे भी पुराने प्लेयर हैं जो काफ़ी हद तक यानी कि 40-42 तक वो लोग पाकिस्तान की टीम में भी खेलें, रेगुलर खेलते रहे, तो मैं समझता हूँ कि उनका फिट रहना कोई ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नया नाज़माबाद का ये जो काफ़ी अच्छा मुझे ग्राउंड लगा, तो क्या कहते हैं इस बारे में, ये इंटरनेशनल तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, इंटरनेशनल तो मैं समझता हूँ कि कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इसकी इस बढ़ाना पड़ेगा, इस ग्राउंड में थोड़ा सा इसका स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इधर इतना यानी कि वो जगह नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ 7-8 हज़ार आदमी यहाँ पे आके मैच देख सकते हैं तकरीबन। इधर इनको और मजीद 10-12 हज़ार तक लेके जाना पड़ेगा इसको, अगर अच्छा मैच यहाँ पे कराना चाहते हैं। ग्राउंड तो अगर अच्छा स्टैंडर्ड पर बना हुआ है, ये बिल्कुल एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर बना हुआ है ग्राउंड। बिल्कुल, मालूम करना चाह रहा था कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर खूबसूरत भी है और बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा यानी कि इसका एनवायरनमेंट है इस ग्राउंड का। अच्छा, क्रिकेट में आप कितने साल से मतलब ये खेल रहे हैं और आपका क्या एज ए क्या है? हो गया, मैं 90 से खेल रहा हूँ और अब तक यानी कि ज़ाहिर है रेगुलर मैचेस मुख्तलिफ खेलते रहते हैं और ये चलता रहता है ये सिलसिला। अच्छा, तो आप बैटिंग या बॉलिंग या ऑलराउंडर हैं? मैं ऑलराउंडर हूँ। तो बॉलिंग स्पिन करते हैं? मैं स्पिन करता हूँ और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बैटिंग करता हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस वक्त हम नाज़माबाद मौजूद थे और माशाल्लाह से पाकिस्तान वेटरन्स ये ऑर्गेनाइज़ करवा रही है और पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज़ करवाती रहती है। तो सुहेल साहब का ये भी कहना था कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान से लोग जो है यानी आउट ऑफ कंट्री जाते रहते हैं, तो काफ़ी खुशाइन बात है। तो स्पोर्ट्स को तरजीह देना बहुत ही एक ज़्यादा जो है अच्छी बात है कि आप जब स्पोर्ट्स में रहते हैं शुरू से ही, जैसे कि सुहेल साहब ने कहा कि शुरू से ही स्पोर्ट्स में रहने वाला वो अबव 50 भी खेल सकता है। तो यहाँ पे अबव 50 भी मैंने लोग देखे, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से फिट हैं और अच्छे शॉट्स खेलते हैं और बॉलिंग वगैरह भी कराते हैं। तो अभी माशाल्लाह से कनाडा से जो टीम आई हुई है, तलाल अहमद साहब जो टीम के कैप्टन भी हैं, और ये पहले विल्स कप जब हुआ करता था पाकिस्तान में, आजकल PSL का बड़ा नाम है। तो सोहेल भाई ने भी मुझे याद दिलाया कि यार वो तुम्हें याद है विल्स कप होता था, मैंने कहा बिल्कुल। तो तलाल साहब उस दौर के जो है क्रिकेट से वाबस्ता हैं और पाकिस्तान विल्स कप जो है इन्होंने खेला हुआ है और पाकिस्तान से जो है ये कनाडा शिफ्ट हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसा लगता है पाकिस्तान आकर खेलना? वैसे भी आप पाकिस्तान में रहकर और विल्स कप इन्जॉय कर चुके हैं, तो अभी आपको कैसा लगता है पाकिस्तान आना? बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान आना। ये माशाल्लाह से हमारा चौथा टूर है, 2017 से हमने आना स्टार्ट किया था और ये चौथा साल है। आई मीन बहुत अच्छा लगता है, ज़ाहिर है पुराने दोस्त मिलते हैं, ये ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ मिलती है हमें खेलने के लिए और सारे लड़के इंजॉय करते हैं। ये वो लड़के हैं जो कनाडा में मोस्टली पैदा हुए हैं और जिन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत कम खेली है और ऐसे ग्राउंड, ज़बरदस्त ग्राउंड फैसिलिटीज़ देख के ये लोग इंजॉय करते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि यार तलाल भाई यार फिर पाकिस्तान चले, फिर पाकिस्तान चले। अच्छा जी जी। तो माशाल्लाह जो पाकिस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ हुआ हो और दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाए या रहने चले जाए, उसको पाकिस्तान की याद ज़रूर आती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये कराची छोड़े हुए, मैं 94 में कराची से गया था
I went to Saudi Arabia first. I lived there for 17 years. Then I moved to Canada, 2011, and now it's 2023. और क्रिकेट हम लोग वहाँ पर भी खेलते हैं, अपने रेगुलर लीग्स वगैरह खेलते हैं, लेकिन 2017 में मैंने जो है ये एसोसिएशन बनाई थी CSC, और उसके बाद से हमने अपनी लीग्स बनाई और हम लोग रेगुलर 50+, 45+ क्रिकेट खेलते हैं। 2018 में हम लोगों ने जो है ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, और आप यकीन नहीं करेंगे कि हम लोगों ने वहाँ पे श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और आयरलैंड को भी हराया था। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशाइन बात है। जो चैंपियंस प्लेट चैंपियनशिप वहाँ एक होती है, मेन चैंपियनशिप के अलावा चार टीमों का एक अलग से उन्होंने प्रोग्राम रखा था जिसको हमने टॉप किया था। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैप्टनशिप की कितनी आपके इसमें ईयर्स हो चुके हैं? मैं थ्रू आउट 2017 से मैं ही कैप्टन हूँ। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लड़के इन्जॉय करते हैं सबको। देखें ये क्रिकेट जो है ना 50+ की, ये इन्जॉयमेंट की, इन्जॉयमेंट के लिए ठीक है ना, सब आते हैं सबको। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें हमें जो है थोड़ा सा एज दिया जाता है कि आप 12 प्लेयर्स खिला रहे हैं, 13 प्लेयर्स खिला रहे हैं, तो सबकी पार्टिसिपेशन हो जाती है इसके अंदर। कोई बॉलिंग कर लेता है, कोई बैटिंग कर लेता है, तो ये बड़ा अच्छा है इसका। माशाल्लाह से। तो ये थे हमारे साथ तलाल साहब। माशाल्लाह, विल्स कप के बारे में पूछना चाहेंगे कि पुराना दौर, जो पुराने हमारे जो है 50+ या 40+ लोग देख रहे होंगे, उनको हमेशा याद रहेगी वो बात कि वो क्या दौर हुआ करता था, बहुत स्टैंडर्ड था, उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करें। बहुत स्टैंडर्ड था। हमारे कैप्टन हारिस खान थे, ये सोहेल मेहदी, ये भी हमारी टीम में थे, हमारी टीम का हिस्सा थे। और मुझे याद है कदाफी स्टेडियम में मैंने मैन ऑफ द मैच हुआ था, मैं 82 रन किए थे। मुझे डांट भी पड़ी थी क्योंकि 6-7 रन रह गए थे और मैं आउट हो गया था। मैं बड़ा खुश आ रहा था, लेकिन हारिस भाई ने मुझे डांटा कि तुम्हें जो है 85 नॉट आउट करके आते वो ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल वो सीखने का टाइम था, हम उसका यंग थे, 20-21 साल के। तो लेकिन ये सब चीज़ें हमारे सीनियर्स ने हमें बताई हैं जो काम आ रही हैं। अच्छा माशाल्लाह, बहुत ही बहुत अच्छे प्लेयर थे। और माशाल्लाह जो है जैसे शाहिद आफरीदी कैलेबर है इस तरीके के, तो अब शाहिद आफरीदी जाहिर सी बात है टीम में चले गए और उन्होंने काफ़ी हद तक यानी काफ़ी टाइम तक क्रिकेट यानी कि पाकिस्तान से खेला उन्होंने। तो तलाल भी इसी किस्म का जहराना प्लेयर था। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, ये भी ऐसे छक्के वक्के कराता था और ये भी यानी कि अच्छा हार्ड हिटर बैट्समैन था यानी कि, और इसका इसी तरीके से क्लब क्रिकेट में जो कराची की होती है उसमें इसका काफ़ी नाम चलता था। माशाल्लाह। तो ये फिर यहाँ से जाहिर है यहाँ से शिफ्ट हो गया अभी कैनेडा, तो वहाँ पे इसने जाके टीम बनाई, ऑर्गेनाइज किया जो भी है, ये सब आपके सामने। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। अभी कनाडा से कितने लोग आपकी टीम में इस वक्त आए हैं? हमारी तरफ से इस वक्त 17 लोग आए हैं। 17 लोग आए हैं, और जिसमें से दो जो है वो आज थोड़ा सा इंजरी की वजह से नहीं आ सके। अभी हमारे पास यहाँ 15 प्लेयर। जी जी, बहुत शुक्रिया तलाल सर। तो ये था यहाँ का छोटा सा एक व्लॉग जो मैं समझता हूँ आपको पसंद आया होगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी क्रिकेटर जो इस क्रिकेट से शौक़ रखते हैं वो ज़रूर इसको लाइक और शेयर करेंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेकबार। तो ये जो है आज रिजल्ट कहाँ क्या हुआ वो खैर अब क्रिकेट है, इसी वजह से क्रिकेट कहलाती है कि बहुत प्रेडिक्टेबल होती है। एक छोटा सा मजाक इनके साथ हुआ था और वो ये हुआ था कि आज नहीं छोड़ा गया, मैंने कहा दिल्ली से पूरा हमेशा मरवाता और बहुत अच्छी बैटिंग थी फरहान ने और दीगर दो साथियों ने। स्टार्ट भी आप लोगों का मुनासिब था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम विक्टोरियस हैं, जिसके शायद हमारे यहाँ सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस दी है वो सोहेल मेहदी ने दी है। और मैं स्पेशली तारीफ करूँगा फरुख की और डॉक्टर साहब की, और फरीद भाई हमारे कहाँ नज़र नहीं आ रहे। फरीद भाई आए तो सही यार हैं। तो जो फील्डर्स ने जो हमें सपोर्ट किया उसमें इनकी बहुत बड़ी एफर्ट है, और बाकी टीम की फरुख वगैरह सबने किया, लेकिन खासतौर पर ये लोग मुझे नजर आए और उन्होंने बड़ी एफर्ट की। हमारे दरमियान इस वक्त फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं मोहम्मद रफीक साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आके मैन ऑफ द मैच जो है वो दिए जाए। और एक सेकंड में गलती कर रहा हूँ, आसिफ भाई फ्यू वर्ड्स फ्रॉम योर साइड एज़ वेल। हां बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी एफर्ट्स के साथ क्रिकेट खेली और साथ में एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली, और इट वॉज जस्ट टॉप स्टार। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी होप के हमारे हमेशा से बहुत अच्छे कॉन्टेस्ट रहे, और ये दिस वॉज द मैं शुक्रिया अदा करूँगा एसोसिएशन का
और हमेशा प्रयास था जिन्होंने हमारा टूर कंडक्ट करने में हमारी मदद की। और जैसे कि आप लोगों ने देखा आज का मैच कैसा रहा, बॉलिंग साइड हमारी बहुत अच्छी रही, हमने आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया 24 पे 20 रुपये और टोटल बट में मैच इंटरेस्टिंग था। एट एंड आके हमें जीतना चाहिए था लेकिन अच्छा एक मैं क्लैपिंग करना चाहूँगा, दोनों साइड से बॉलिंग बहुत शानदार हुई और डेफिनेटली उनको सपोर्ट फील्डर्स ने किया अपार्ट फ्रॉम कपल ऑफ तो बिगैन फॉर दैट। आज के मैच में हमारी तरफ से दोनों तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस हुई लेकिन मैन ऑफ द मैच यूजुअली हम लोग कोशिश करते हैं कि बैटिंग साइड पे चले जाए और इवेंचुअली चूंकि हम थे तो हमारे यहाँ सोहेल मेहंदी आज के मैन ऑफ द मैच। अच्छा अब मैं गुजारिश करूंगा आसिफ अंसारी साहब से, वो एक मोमेंटो हमने बनवाया था सुविनियर आपकी टीम के लिए, आसिफ अंसारी साहब पेश करेंगे। हमारी टीम की तरफ जो भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, आज के जो हमारे मैन ऑफ द मैच है वो अभी फरहान महमूदी है।